दिल्ली विधानसभा चुनाव में झुग्गियों में बसे मतदाताओं को लुभाने में जुटी बीजेपी। प्रदेश नेता से लेकर केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली की झुग्गियों में करेगा प्रवास। पार्टी आलाकमान ने दिए हैं निर्देश। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने कसी कमर। आज टाउन हॉल मीटिंग करेंगे सीएम केजरीवाल। टाउन हॉल मीटिंग में जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे सीएम। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के रायबरेली दौरे का दूसरा दिन आज अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी सोनिया। गणतंत्र दिवस को भव्य बनाने के लिए जोर शोर से हो रही है तैयारियां। आज हो रही है फुल ड्रेस रिहर्सल। कई सड़कें रहेंगी बंद। 26 जनवरी को ब्राजील के राष्ट्रपति बोलसोनारो होंगे मुख्य अतिथि। गणतंत्र दिवस से पहले आज जम्मू कश्मीर आएंगे सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के साथ सरहद और आंतरिक सुरक्षा का लेंगे जायजा। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज जगत प्रकाश नड्डा का पहला उत्तर प्रदेश दौरा। आगरा में नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में करेंगे रैली। महाराष्ट्र में अपना वर्चस्व बढ़ाने में जुटी राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस। आज पार्टी ने बुलाया महाधिवेशन। एमएनएस का नया झंडा लॉन्च करेंगे राज ठाकरे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सियासी सरगर्मियां। महागठबंधन को मजबूत बनाने की कवायद तेज। आज आरजेडी और कांग्रेस के नेता करेंगे बैठक। चुनाव को लेकर की जाएगी चर्चा। मणिपुर के पश्चिमी इम्फाल में नागमपाल रिम्स रोड पर आईईडी ब्लास्ट। घटनास्थल पर सुरक्षा बल मौजूद। किसी प्रकार की जान माल की क्षति की जानकारी नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के कायल हुए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ। कोहली की स्मिथ ने की तारीफ। कहा वो शानदार खिलाड़ी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऐतिहासिक महाभियोग के मामले में दलीलें शुरू। ट्रंप पर सत्ता के दुरुपयोग का लगा आरोप। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच चीन के वुहान में स्थानीय लोगों की यात्रा करने पर प्रतिबंध। वुहान शहर से ही वायरस फैलना हुआ था शुरू। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने का विधेयक हुआ मंजूर। 31 जनवरी से पहले पार की आखिरी बाधा। कनाडा जैसे अमीर देश में भी तेजी से बढ़ रही है भुखमरी। 40 लाख से ज्यादा लोग पर्याप्त भोजन के लिए करते हैं संघर्ष। भूख के कारण जा रही है जिंदगी। अमेरिका में भारतवंशी सिख अमृत सिंह ने रचा इतिहास। टेक्सास के हैरिस काउंटी में बने पहले पगड़ी धारक डिप्टी कांस्टेबल। मलेशिया पर और सख्त हुआ भारत। पाम तेल के बाद कंप्यूटर पार्ट्स के आयात पर भी लगाई रोक। निजी क्षेत्र के तीसरे प्रमुख बैंक एक्सिस बैंक ने तिमाही नतीजे किए जारी। एक्सिस बैंक को तीसरी तिमाही में 4.5% का हुआ मुनाफा। ब्याज में हुई तेजी से बढ़ोतरी। टोयोटा और होंडा की कारों के एयरबैग में आई खराबी। 60 लाख गाड़ी मंगवाई गई वापस। दोनों कंपनियों ने एक बयान में दी जानकारी। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम में आई गिरावट। पेट्रोल की कीमत में 17 पैसे की गिरावट दर्ज। 20 पैसे कम हुई डीजल की कीमत। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन तेजी के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 59 अंकों के स्तर पर खुला। निफ्टी 14 अंकों की तेजी के साथ खुलकर कर रहा है कारोबार।